हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। वो न्यूज़ ये है कि GIC का नया विज्ञापन कब तक आएगा, आश्रम पद्धति का नया विज्ञापन कब तक आएगा, और ये न्यूज़ पेपर में आई हुई है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि क्या हुआ है इसमें। साथ में JSSC में बम्पर भर्ती आई हैं जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है, आप चाहें तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली न्यूज़ है UPSC इंटर कॉलेज को इस साल मिलेंगे 1597 प्रवक्ता। जैसा कि आपको पता है GIC के 1477 और आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के 24 पदों पर ये भर्ती की प्रक्रिया कराई जा चुकी है। आश्रम पद्धति वालों का आज एग्ज़ाम भी लगा हुआ है लखनऊ में, और ये एग्ज़ाम 2 पालियों में कराया जाएगा, ये आपको पता है। हिंदी का भी पेपर होगा और साथ में इसमें सब्जेक्ट का भी होगा। तो जैसा आपको पता है कि 1597 टोटल पद बन रहे हैं ये, और इन पदों के लिए जल्द ही कुछ हो जाएगा। जैसे ही इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा वैसे ही नया विज्ञापन जारी हो जाएगा, उसके 1 या 2 महीने के बाद में ये विज्ञापन आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है, तैयारी करते रहना है। जो लोग इस बार इस वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाए हैं उसको अगली बार क्लियर करने की कोशिश करें। जैसा आपको पता है कि 24 पद आश्रम पद्धति में दिए हैं, ऐसे इसी हिसाब से पद आएंगे, क्योंकि 2021 की वैकेंसी थी और अभी 22 चल रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि 22 तक तो ये पूरा प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद में ही विज्ञापन आने की सोचिएगा आप सभी लोग। तो ये एक बेसिक तरीका है कि कैसे क्या इसका होगा इसमें। हालांकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि नया विज्ञापन कब तक आएगा, फिर भी ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग सोच के बता रहे हैं कि आप ये मान लीजिए कि इसमें जो विज्ञापन है वो उस हिसाब से आ सकता है, ठीक है ना। और आश्रम पद्धति का आज एग्ज़ाम लगा है, उन सभी लोगों का बेहतरीन एग्ज़ाम हो, हम लोग यही सब काम करते हैं। लखनऊ में 2 पालियों में होगा, 9:30 से 11:30 बजे तक, और फिर दूसरा मुख्य परीक्षा के लिए जो तकरीबन 1500 विद्यार्थी आश्रम पद्धति में सिलेक्टेड हुए थे उसमें इसी अकॉर्डिंग, ये तो GIC का दिया हुआ है, सॉरी इसमें दिया हुआ है, और ये एग्ज़ाम आज क्लियर हो जाएगा तो इसके लिए भी चीज़ें थोड़ा जल्दी होने लगेंगी जैसे कि आगे के कारण, है ना। तो अभी आता है कि सर GIC में कब तक पद आएंगे और कितने पद आएंगे। तो GIC में जो है GIC LLT ग्रेड है, UPGT PGT है, इन सभी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके लिए कोई भी सीन नहीं है। सीन का मतलब यह है कि अभी भी इनके लिए कोई भी वो नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि आश्रम पद्धति और GIC मेंस के चांसेस हैं, GIC के चांसेस हैं कि इस बार एग्ज़ाम जल्दी हो जाए या नया विज्ञापन जल्दी आ जाए, क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि बहुत तेज सरकार से 2023 और 24 चुनावी वर्ष रहेगा, तो GIC में विज्ञापन आने के चांसेस रहेंगे। LT ग्रेड के भी आने के चांसेस रहेंगे, तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई के बिना काम नहीं चलने वाला। अगर मान लीजिए विज्ञापन आ गया, 3 महीने में एग्ज़ाम करा दिए गए, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आपका जो LT ग्रेड के जो बच्चे साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए कम से कम 86 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वो जा करके विज़िट कर सकते हैं। और अभी भी लगातार आज से आपको और एक क्लासेस डेली मिलने लगेगी, क्योंकि आश्रम पद्धति की सब क्लासेस चल रही थी तो उसमें थोड़ा मैं व्यस्त था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ आपको नहीं दे पा रहा था। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इतनी चीज़ें हैं कि UPSC इंटर कॉलेज के साल मिलेंगे, इतने पर तब देखते हैं कब तक ये क्लियर हो पाता है। हालाँकि देख जल्दी होने के चांसेस हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। तो जो हमारी नेक्स्ट वाली वैकेंसी है उसके लिए भी देख लेते हैं क्या है। तो JSSC में करे आवेदन, 991 पद हैं, सब डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों का ये ब्यौरा दिया गया है। 100 रुपये इसकी फीस है, अगर आप आवेदन करना चाहते तो कर सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष या अधिकतम वायु वर्ग के अनुसार है, आयु सीमा की छूट नियमानुसार लागू है। पात्रताएँ, उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण किया और पात्रता में संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल नीचे दी हुई www.jssc.nic.india वो ऐप, उस पर जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, आयोग द्वारा कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, जिसमें एक पेपर शामिल होगा, जिसमें नर्सिंग से संबंधित 120 प्रश्न भरे जाएंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 अंक काट जाएंगे, काटे जाएंगे, काट जाएंगे, बोल दिया।
मुक्त परीक्षा के प्रस्तांक के आधार पर ये अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची में तैयार किया जाएगा। 19 जून इसका अंतिम तिथि है। ये इतनी छोटी सी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी आई हो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने लोगों के पास शेयर कर दें, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे भी। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे अब आपको ये जानकारी ऐसी मिलती रहे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ अच्छी लगी है तो भी जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। अपना प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।